सोनालिका ट्रैक्टर्स के सबसे बड़े शोरूम की सौगात जिले के सम्मानीय किसानों को दी जा रही है। साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स प्रयरूप सागर। प्रदेश के परिवहन मंत्री के गृहनगर क्षेत्र जयसिंहनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर जेएस धाकड़ की मनमानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब अपने क्वार्टर का ताला डालकर सागर अपने घर चले जाते हैं और रात के समय केवल स्टाफ नर्स के भरोसे ही पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चलता है। यह कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले जयसिंहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बरसों से आते रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ कोई सुधार नहीं हुआ। पहले 15 साल भाजपा सरकार यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं सुधार सकी और अब कांग्रेस की सरकार भी इसमें कोई ठोस कदम उठाते नहीं दिख रही है। अब ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा जब मंत्री गोविंद राजपूत के गृह नगर, जहाँ से वह प्रतिनिधि चुनकर आज इस दर्जे पर पहुँचे हैं, ऐसे जयसिंहनगर का जो हाल पहले था वही हालात आज भी हैं। दरअसल बीती रात जयसिंहनगर के रामजी दुबे अपनी बहू रानी दुबे को सीने में दर्द होने की वजह से जयसिंहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए गए, जहाँ स्टाफ नर्स ने उनका इलाज किया लेकिन आराम नहीं मिला। और जब डॉक्टर के बारे में पूछा गया तो बताया गया कि शायद डॉक्टर साहब घर पर हैं। वहां जाकर देखा तो डॉक्टर साहब के घर पर ताला लगा हुआ था, जिसके बाद दुबे द्वारा उनसे फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी सागर में किसी काम से आया हूँ। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि रात करीब 10:30 बजे डॉक्टर साहब किस काम से सागर जा सकते हैं। वो हमारे छोटे भाई की बहू है, उसकी तबीयत बिगड़ गई, एकदम से सीना दुखने लगा अचानक में, तो हम हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में धाकड़ साहब है नहीं है, अकेले नाम जो सिस्टर हैं। धाकड़ साहब को हमने फोन लगाया, अभी बोल रहे हम थोड़े काम से आए थे, 1.5 घंटे के भीतर हम अस्पताल में हाजिर होंगे। हमने उनसे बोला कि अगर कुछ भी मरीज को हो जाता है तो फिर कहने लगे तो हमें थोड़ा काम था तो इस वजह से हम सागर आ रहे खुद के काम से। वहीं हालातों को देखते हुए नर्स द्वारा उन्हें सागर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, लेकिन सागर पहुँचते भी कैसे। दरअसल जब 108 एम्बुलेंस को फोन लगाया गया तो 108 भी जयसिंहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुँची। उनका कहना था कि अभी वर्तमान स्थिति में 108 फ्री नहीं है। मिला कोई नहीं है, केवल नाम जो सिस्टर है उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया और सागर रेफर कर दिया। 108 को फोन लगाया तो 108 वाले भी बोल रहे हैं कि इमरजेंसी में कोई भी गाड़ी नहीं है, मतलब अपने पर्सनल वाहन से जाइए। अब ऐसी स्थिति में पीड़ित क्या करे, अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होता। अभी वर्तमान में आपके जो डॉक्टर साहब ने धाकड़ जी, वो कहाँ पे? अभी सागर गए हैं किसी काम से। सागर गए हैं। अभी वर्तमान में कोई डॉक्टर हॉस्पिटल? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। तो अब जैसे कोई इमरजेंसी आ जाती है तो फिर आप ही डील करेंगे? खैर, अब देखना होगा कि जयसिंहनगर की भोली भाली जनता को उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जो कि आज प्रदेश के मंत्री हैं, क्या कुछ अच्छा करके दिखाते हैं। आप देख रहे हैं अथर्व न्यूज, खबरें देखकर करते सोचने पर मजबूर। सागर से ब्यूरो रिपोर्ट।